15 जून को विश्व भर में पवन ऊर्जा दिवस मनाया जाता है। दिल्ली में इस अवसर पर हुए कार्यक्रम में बात करते हुए केंद्रीय मंत्री श्रीपद नाइक ने कहा कि 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा से 500 गीगावाट का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए विभिन्न स्तरों पर प्रयास चल रहे हैं। गौरतलब है कि भारत में नवीकरणीय ऊर्जा 80 के दशक में शुरू हुई थी, लेकिन पिछले 10 वर्षों में इस क्षेत्र में अत्यधिक प्रयास किए गए हैं और यही वजह है कि 2030 तक इस क्षेत्र में एक बड़ा लक्ष्य रखा गया है। वर्तमान में भारत विश्व में पवन ऊर्जा क्षमता में चौथे स्थान पर है। रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा देना है और विंड एक फैक्टर है उसका। इस विंड के इसमें एक टारगेट हमने रखा हुआ है कि अगले 2030 तक हम 700 गीगावाट का ये प्रोडक्शन हम करेंगे। आज तक हम 46 तक पहुँचे हुए हैं और ये सभी जगह उस विंड का विंड मिल जो है ये खड़ा करके हमारा प्रोडक्शन बनाने का काम बड़े जोर जाम से चल रहा है। वहीं नई एवं नवीकरणीय ऊर्जा सचिव भूपेंद्र सिंह भल्ला ने कहा कि यदि हमें पर्यावरण को बचाना है तो हमें नवीकरणीय ऊर्जा की तरफ जाना होगा। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में बिजली का और उत्पादन हो सके इसके लिए हमें राज्यों से तालमेल कर रहे हैं। नई एवं नवीकरणीय ऊर्जा सचिव ने कहा कि आने वाले 6 वर्षों में इस क्षेत्र में 30 लाख करोड़ रुपए के निवेश की जरूरत होगी। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि भारत में इसका बहुत पोटेंशियल है। हमने 500 गीगावाट तक पहुँचना है और ये 2030 का टारगेट। इसके अलावा तो हमने 2070 पे माननीय प्रधानमंत्री जी ने नेट जीरो की घोषणा की है भारत को पहुंचने के लिए। ये जो फासला है अभी से 2024 से 2030 तक और उसके आगे, इसमें हमें बहुत आगे इसमें रिन्यूएबल एनर्जी का उत्पादन करना है, उसको बढ़ाना है। इसका हमें कम से कम 30 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट चाहिए। कार्यक्रम में इस क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वालों को भी सम्मानित किया गया, जिन्होंने उम्मीद जाहिर की कि आने वाले दिनों में उनके राज्यों में इस क्षेत्र में और बेहतर प्रदर्शन होगा। एज अ स्टेट हमारा बहुत ही प्रोग्रेसिव स्टेट है। हम लोग रिन्यूएबल के क्षेत्र में बहुत काम कर रहे हैं और स्पेशली आज के दिन में अगर देखा जाए तो विंड में पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा कैपेसिटी विंड एनर्जी में गुजरात में है और सोलर एनर्जी में भी हम काफ़ी आगे हैं। इट इज़ नॉट दैट विच प्लेस वी आर, बट वी शुड ऑलवेज ट्राई आवर बेस्ट सो दैट वी विल रीच the highest place, so we should always do our best, so that is what is our motive. पवन ऊर्जा से न केवल घरों में रोशनी होती है बल्कि पर्यावरण भी सुरक्षित होता है। निवेशकों में इसको लेकर जागृति आए इसके लिए केंद्र सरकार ने पिछले 10 वर्षों में काफी प्रयास किए हैं। केंद्र सरकार की योजनाएं निवेशकों को आकर्षित कर रही हैं। इसी उम्मीद के साथ कि केंद्र सरकार 2030 के अपने लक्ष्य को पूरा कर सकेगी। विक्रमजीत सिंह, DD News, दिल्ली।